कि हमारा मंदिर क्यों तोड़ दिया गया है। 11 बजे आकर कौन सा कानून है ऐसा जो 11 बजे आकर हमारा मंदिर तोड़ता है? तो वो दिन को कार्रवाई करते हैं, रात को 11 बजे चोरों की जैसे आके हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा? International bands and smartwatches collection with great offers at Minute To Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute To Style near Tindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. भैया ये घटना है देवनारायण मंदिर अजमेर वैशाली नगर, जो प्राचीन मंदिर है, 150 से 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ प्रशासन चोरी छुपे रात को 11, सवा 11 बजे आता है और बाउंड्रियाँ तोड़ता है। और एक चौकी इंचार्ज है किशनगंज के मोहनुद्दीन जी, वो जूते पहने हुए ऊपर वहाँ लाठीचार्ज करते हैं मंदिर पे, भावना आद करी है। और ये गुर्जर समाज का नहीं, 36 कौम का आराध्य देव है, यहाँ सभी की आस्था है। ये गुर्जर समाज और देवभक्त कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐसे देव पे कोई यहाँ आके तोड़फोड़ कर दे। इसमें भारी आक्रोश है देवभक्तों में। और पुलिस प्रशासन जो भी आया है उसमें से 80% पुलिस को अगर यहाँ आज की तारीख में मेडिकल कराया जाए तो 80% ड्रिंक लिए हुए हैं। जिस तरह से वो लाठीचार्ज कर रहे थे और मंदिर पर चढ़ के लाठीचार्ज कर रहे थे, ये गुर्जर समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, भले इसके लिए जान देनी पड़े गुर्जर समाज को। पीछे बिना सूचना के जो भी, हमको ये भी मालूम नहीं है किसने तोड़फोड़ करी है। अभी पुलिस प्रशासन से ये पूछा गया है कि किसने तोड़फोड़, तो एडीए की बोल रहे हैं कि एडीए ने यहाँ तोड़फोड़ की गई है। और ऐसे प्राचीन मंदिर पे आके ऐसे चोरी छुपे होने के बाद ये अगर होता है तो बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सभी के लिए शर्म की बात है, सभी समाजों के लिए शर्म की बात है कि ऐसे प्राचीन मंदिर में यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सभी के लिए शर्म की बात है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई चोटी लोग लेडीजों पे भी लाठीचार्ज किया गया है, मोहनुद्दीन जी है और बाकी कई पुलिस वाले हैं जो नाम से नहीं जानते, शक्ल से जानते हैं, वो ड्रिंक लेके देव मंदिर पे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और पुलिस प्रशासन बोल रहा है हमारे को तो कोई सूचना ही नहीं थी, जबकि पुलिस प्रशासन के अंडर में ही ये तोड़फोड़ हुई है। यहाँ कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। आज ये जो देवनारायण छठ है जनवरी में, उसके लिए यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा था, उसी में लग रखे थे सब, और अचानक रात को 11:15 बजे आके तोड़फोड़ कर दी जाती है। हमको सूचना मिली, तुरंत हम देवनारायण मंदिर पर आए, वहाँ देखा तो मोहनुद्दीन जी जो गुर्जर समाज की औरतें और बच्चे थे उन पर लाठीचार्ज किया है, जूते पहने हुए थे, और पुलिस प्रशासन के और भी लोग जो ड्रिंक किए हुए थे। शर्म की बात ये। और मैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से यही अपील करता हूँ, इनकी हाथों हाथ अगर मेडिकल किए जाए तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने ड्रिंक लेकर मंदिरों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। धर्माराम गुर्जर, अजमेर। 11 बजे मेरे को खबर मिली थी कि आपका मंदिर टूट रहा है, तो हम यहाँ आए थे, चार दीवारी टूट चुकी थी। जब जीप लेके जब पुलिस वाले निकले तब हम बाहर भाग के आए, जीप वाले जैसे भी निकली तो हम यहाँ आके पूछे कि क्या हुआ, तो हमने देखा कि हमारा मंदिर की चार दीवारी पूरी टूट चुकी है। तो हमने 4-5 बंदों के, हमारे भाई जो भी है, साथ में आए। तो उसके बाद में थोड़ी सी 10-15 मिनट बाद में हमने रोड जाम करा कि हमारा मंदिर क्यों तोड़ दिया गया है। 11 बजे आकर कौन सा कानून है ऐसा जो 11 बजे आकर हमारा मंदिर तोड़ता है? अगर एडीए जो भी है तो वो दिन को कार्रवाई करते हैं, रात को 11 बजे चोरों की जैसे आके हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा और हमारे को भागा के मारा? और मेरे ऊपर तो था कि बोलेरो, ये श्याम जी सर की बोलेरो आके रुकी है मेरे सामने, और जो पुलिस वाले थे सारे शराबी थे और मेरे ऊपर लाठीचार्ज करा उन्होंने। नाम बताओ। शारदा गुर्जर।